बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ मतीन खान। तो चलिए करते हैं जी आज के ब्लॉग को शुरू। तो गाइस, बात कुछ यूँ है कि जो लोग मुझे जानते हैं या मुझे शुरू से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो उसके लिए मेरी रनिंग हुई, रिटर्न टेस्ट हुआ, उसका रिज़ल्ट आया। रिजल्ट का टेस्ट आने के बाद इंटरव्यू के फॉर्म जमा करवाए, तो इंटरव्यू का वेट कर रहे थे अभी। अब तो इंटरव्यू का वेट कर रहे थे तो अभी कल रात को जी तकरीबन 8 बजे मुझे कॉल आती है कि आपने सुबह 7 बजे पहुंचना है उधर, तो आपका इंटरव्यू है। तो उसके लिए आज मैं जाऊँगा। अभी तकरीबन सुबह के 5:30-6 बजने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अभी निकलेंगे, तैयार होते हैं तो फिर निकलते हैं। आप सब ने मेरे लिए दुआ लाजमी करनी है कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, तभी हम जाएंगे आपके साथ, एक्सपीरियंस सारा शेयर करेंगे। तो गाइस, ये रात को मैं क्लीन शेव करवाया था, फिर उसी टाइम जा गए। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और तैयार होते हैं और फिर जाएंगे। ये आप सूरज चेक करें और अभी इधर से मैं वापस जा रहा हूँ और घर जाके तैयार होते हैं तो फिर जाएंगे हम जी। तो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। ये मैंने वाइट सूट पहना है और नीचे ये पेशावरी चप्पल। तो अभी बस निकलते हैं, टाइम हो चुका है। तो अभी बस निकलते हैं, टाइम हो चुका है। तो अभी निकालते हैं बाइक, तो चलते हैं यहाँ से, अब सियालकोट की तरफ निकल दिया। तो गाइस, अभी मैं रेडी होकर तो निकलने लगा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मैंने ये पीछे बैग में रख लिए हैं और पेट्रोल वगैरह मैंने चेक कर लिया, तो अभी बस निकलते हैं। गाइस, अभी निकल आया हूँ मैं, तो जा रहा हूँ। सफ़र का गाज अलहमदुल्ला शुरू हो चुका है, तो अभी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट पहुँचते हैं। गाइस, अभी मैं सियालकोट पहुंच चुका हूं। ये रेलवे रोड है, ये इस तरफ रेलवे, और अभी मैं जा रहा हूं सीधा सिविल लाइन की तरफ की। तो गाइस, अभी हम ये सिविल लाइन के अंदर हैं। ये पीछे आप रश देखें, ये सारी आवाम इधर आई हुई है इंटरव्यू के लिए। तो सबको कॉल आई थी लेकिन अभी तक इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है। इधर बैठे हुए हैं तकरीबन 8:30-9 हो गए हैं। तो इधर ही अभी हम चल फिर रहे हैं सिविल लाइन के अंदर। ये चेक करें जी, ये आज सारी की सारी आवाम इधर इंटरव्यू के लिए आई हुई है, तैयार होके तो ऐसे बैठे हुए हैं। अभी पता नहीं इंटरव्यू कब है और कब नहीं होना। गाइस, अभी हमें उन्होंने सिविल लाइन से बाहर निकाला और कहा कि जाए बाहर से जाके और फॉर्म भरवा के लाएँ स्टाम्प। तो अभी देखिए हम स्टाम्प बनवा रहे हैं। ये देखिए आवाम सारी बाहर आ गई है स्टाम्प बनवाने के लिए। और ये कचहरी चौक है सियालकोट में, और ये सारी दुकानों पर रश लग गए हैं। इधर से स्टाम्प बन रहे हैं वो, ठीक है। और अब ये खेल के लगे हैं, ये बच्चे सारे इंटरव्यू देने आए हुए हैं और यहाँ पे जी अब स्टाम्प निकालने के लिए बाहर भेजा उन्होंने। तो अभी ये स्टाम्प ले आए हैं हम, ये अंदर जाके जमा करवाते हैं। ठीक ठाक तकरीबन 1.5-2 घंटे की दलीलो ख्वारी के बाद फॉर्म हमने जमा करवा दिया है और अभी हम जाने लगे हैं घर वापस। आए हम इंटरव्यू देने थे तो अभी हम फॉर्म जमा करवा के तो वापस जा रहे हैं। अब पता नहीं 18 तारीख के बाद इंटरव्यू होंगे स्टार्ट, 18 तारीख का टाइम दिया उन्होंने, अब उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। तो गाइस, अभी उधर से फॉर्म जमा करवा गए तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और कहा कि मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए हैं जी। कल हमें कॉल आ गई थी 9 बजे के, सुबह 7 बजे पहुँचना है। तो आज हम पहुँचे हैं, तुम्हारे साथ ये ड्रामा हो गया, तभी हम फिर वापस आ गए हैं। अब 18 तारीख को हमारे इंटरव्यू का टाइम दिया, देखें 18 तारीख को क्या होता है। अब 18 तारीख से बाद इंटरव्यू होंगे, तब इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लेके जाएंगे यार, बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते। मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।